हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में हम आप सबको इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स गणित ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस वीडियो में बता रहा हूँ, है ना, जो कि 100% आपके करेक्ट आंसर होंगे। और आपके इसमें 100 प्रश्न आया है जिसमें से 50 प्रश्न को सही करना है, तो हम उन सब 50 प्रश्नों को आपको सही सही बना देते हैं। आप लोग मिला लें कि ये सब आंसर आपके आए हैं कि नहीं, तो फटाफट आप इन सब वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब लोग लाइक करेंगे, और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो आइए शुरू करते हैं सेंटअप एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स गणित ऐच्छिक आईएससी एंड आईए के लिए जो था उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर की, ठीक है, 100% करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहला है डी बाई डी एक्स ई थ्री एक्स, ये समाकलन है, तो जानते हैं कि ई एक्सपोनेंशियल का उतना ही होता है और एक्स के साथ जो गुणांक होता है वो पहले आ जाता है, तो इसमें सी राइट आंसर होगा। साइन एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा और एक्स का जो गुणांक 1/2 है वो साइड में आ जाएगा, ठीक है, तो दो का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट हम आपको बता दें, कॉस 3x, तो इसमें माइनस साइन 3x होगा और एक्स का गुणांक इसमें 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न आया था, 3 का डी राइट आंसर। डी टेन 2x, तो 10x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा और x का गुणांक 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पांच नंबर देखिए 2x³ है, तो पावर साइड में पावर की कमी, तो 6x² बिल्कुल आपका 5 में ए हो जाएगा। इसमें देखिए log x³ है, तो x³ 1/x³ हो जाता है, ठीक है ना, log का log x का 1/x³ और 3x² यहाँ पे आता, तो x² से कट के 3/x, बिल्कुल 6 का सी हो जाएगा। सात नंबर है साइन 3θ, तो 3sin²θ और साइन का फिर कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल 7 का सी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसका 2, ठीक है ना, 2sin α कॉस अल्फ़ा होगा जो कि आगे चल के -sin²α भी कहलाएगा, ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। 2tan²x है, इसमें बिल्कुल 4tan²sec² हो जाएगा, ठीक है, √x, तो इसके आप क्या करेंगे, x के पावर 1/2 का पावर की एक वृद्धि, तो 3/2 होगा, बटा में पावर, तो 3/2 होगा जो कि पलट के ये वाला आ जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए डी एक्स बटा में x+1 का इंटीग्रेशन, तो log x+1 हो जाएगा, sin²θ का k-1-2sin θ हो जाएगा, बिल्कुल बी, cos 5x, तो k sin 5x बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे है tan 3x, तो tan 3x में आपका k1+3 log sec 3x हो जाएगा, tan का log sec x होता है ना, तो इसमें ए सही है। और x² का आपका करना है, तो इसमें 8/3 बिल्कुल सही जवाब है, 15 में डी हो जाएगा। 16 है sin x का, आप जानते हैं कि है ना, -cos 4x होता है और 5/4 रखेंगे तो आपका एकदम आंसर जो आएगा ये हो जाएगा बिल्कुल सही, और 16 का सी आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं ना हाली। 17 का देखिए ये प्रश्न है, और इसका ex होता है, और जब मान पुट करेंगे तो e^1 - e^0, तो e-1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 dx का x होता है और मान भरेंगे 1 0, तो 1 ही आएगा, 18 में a सही हो जाएगा, ठीक है। 19 देखिए x है, तो इसका x² / 2 होता है, ठीक है, मान भरिएगा तो 2 का स्क्वायर / 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखिए आप इसको तोड़ सकते हैं ऊपर वाला का, x+1 × x-1, बहुत ईजी प्रश्न थे, हाली कर सकते हैं हम लोग, वो कटा देंगे, अब x का होगा x² / 2 और इसका -1, यहाँ dx होता है, x हो जाएगा और k लगा देंगे अचर के लिए, 20 का सी हो जाएगा। 21 साइन x a - a दिया, इसका सोल्यूशन करने पे आपको 1 मिलेगा, है ना, और 22 टेन x का जो होगा आपका log sec x होता है, और सोल्यूशन कीजिएगा इसमें भी 1 आना चाहिए, ठीक है। और इसका तो लिखिए, नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आता है, तो इसमें आपका बिल्कुल b सही हो जाएगा, इसमें कटाएंगे तो x³, इसमें भी 24 का बी हो जाएगा। मैं 50 प्रश्न करा देता हूँ, 25 में बी हो जाएगा, ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा बनेगा तो इसको आप कर सकते हैं, इसमें आपका बी होगा, इसमें भी उम्मीद है कि साइन इनवर्स वाला कोई एक हो जाएगा, ठीक है, cos² sec² होता है और इसका 10x हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, है ना, और 4dx, तो 4x हो जाएगा, 30 में सी हो जाएगा। और इसका a^x वाला का होता है ax × log a होता है ना, तो इसलिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 30 में ना सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसका अवकल समीकरण का हल करना है, इसमें आपको ना x dx करके और उधर इसको भेज के -y dy और फिर समाकलन करना था, तो इसका होता है x² / 2 और इधर हो जाता है -y² / 2, 2 को कटा लेते हैं, तो x² + y²
बराबर सी, बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, 31 में बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग होता है ना, तो इसमें बिल्कुल आपका ये होगा, ये टेन इनवर्स वाला नहीं होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसमें होगा टेन इनवर्स, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इसमें आपका 33 में सी हो जाएगा, ठीक है। 34 3i 4j, इसमें तो जीरो होगा क्योंकि i और डॉट j जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है, जीरो हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है ना, ये भी आपका 35 में भी जीरो ही देगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। 36 में आप गुना कीजिएगा 3 × 6, 6 मिलेगा, बिल्कुल बाकी सब के साथ जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुना करेंगे ना तो हमारा 5 आएगा, आप गुना कर लीजिएगा, 37 में बी हो जाएगा। 38 मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर लीजिएगा, 9 होगा, 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट टी का आप करेंगे तो आपका ये शायद मिलेगा 4√2/3। 40 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, 29 आएगा। 40 का सी बना लिया है हमने, 2a का इकाई सदिश, तो ये तो ऊपर रहेगा ही और नीचे दोनों का स्क्वायर के रूप में, जैसे 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 13 बिल्कुल 41 का बी हो जाएगा। 42 इसमें का कि व्यापक हल पूछा है, इसमें आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 43 है अवकल समीकरण, इतना का समाकलन गुणा यानी IF फाइंड आउट करना है, तो IF आपका e-3x हो जाएगा, ठीक है। और आगे 43 के बाद 44, इसका गुना आई और के, तो -7 × 14 और उल्टा चल रहा है तो -14j हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी, तो इसमें मूल बिंदु 7/√29 आएगा, अंडर रूट में ये वाला करना है 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। 45 के बाद 46 है, तलों के बीच का कोण, तो आपको cos थीटा बराबर a1 a2 से बना लेना है इसको, और ये शायद मिलेगा आंसर, ठीक है। इसका दिक अनुपात निकालेंगे ना तो 3 2 रहेगा ही, और नीचे इन सब का स्क्वायर करके करना, तो ये आपका आएगा 47 में सी, ठीक है। इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट गिरात करना है, और डॉट प्रोडक्ट में 5 × 10 होता है, इधर 2 होता है, 10 − 2 और 4 × 8 कट के 0 होगा, बिल्कुल सही है 48 में ए। 49 देखिए, इसका बनाना है u × v पे बनाना है समाकलन, और ये शायद आएगा, ठीक है। और इसमें भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट इसका भी जीरो आएगा, 3 × 6 2 × 4 और 5 × 10, ठीक है, 10 और 10 जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान बताना है, दिक को जाएं, 14 14 का चल रहा है -1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्रॉस करेंगे, इसमें भी जीरो ही मिलेगा, ठीक है। आगे इसका अभिलंब का दिक अनुपात बताना है, तो ये जो आया है ना यहाँ पे ABC वही दिक अनुपात होता है, 7 8 −9 हो जाएगा। 54 नंबर है देखिए आपके 50 प्रश्न, वाई बराबर 0 जो है तल के समांतर है, तो वाई जो है किसके समांतर होगा, तो जेड के समांतर हो जाएगा। पवन तल वाई के समांतर है, जेड वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें समांतर एक तलीय समीकरण बताना है, तो समांतर के कंडीशन में मान वही होना चाहिए, 2x + 7y − 9z, ठीक है। और इसमें ये जीरो वाला हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम हो जाएगा 55 में सी। 56 में लंब बताना है, तो लंब में उल्टा चलता है, जैसे कि आपका 5x हो सकता है और -y, तो ऐसा कोई ऑप्शन सी नहीं दिया है, आपको इसमें डी लगा लेना चाहिए। 57 देखिए, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आप बना लेंगे फटाफट, ये सब प्रश्न है ना, ये तो ईजी है। देखिए 59 है, 2 यहाँ गुना करेंगे 8, ठीक है, और -+7, नहीं इसमें गुना करना है, तो इसका आपका हो जाएगा 2 से गुना कर देना है, तो 2 से आप गुना करेंगे तो 2 14 − 2 16 2 − 2, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 59 का डी। 60 नंबर में इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 3 b 3 c 3 d, बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसमें भी गुना ही करना है, इसका गुना करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट से सोल्यूशन कर दीजिए जो आएगा, मतलब एक निकाल के और सामने का रो कॉलम डिलीट करके इस तरह से इसको बना देना है। 63 में इसमें सौखंडस बताना है, सौखंडस आप बना सकते हैं, आपका है ना 63 में ए हो जाएगा, ठीक है। 64 देखिए, इसमें आपका -cot θ हो जाएगा, dy/dx निकालना है। 65 देखिए, इसमें भी dy/dx, इसमें भी ए होगा, आप अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। 66 है, इसका आपका डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 4x और फिर 4, यहाँ 4 मिलेगा, ठीक है ना, वो गलत बना है, 4 होगा इसमें। साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस के लिए साइन लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन π/2 -1, बिल्कुल सही है 67 का सी, उद्देश्यीय फलन, तो
उद्देश्य फलन जेड बराबर होता है, ठीक है। इसमें ए हो जाएगा 68 का ए, है ना। इसमें आपका न्यूनतम मान तो आपको ग्राफ बना के कर लेना है, ठीक है। एक्स में जीरो, वाई में चार, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट बन सकता है। एक्स में जीरो तो वाई में चार रखेंगे तो 24 आएगा, वाई में जीरो तो 20, तो 20 हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, न्यूनतम मान है और एक्स जीरो से बड़ा, हाँ आपका ये हो जाएगा न्यूनतम, इसमें 69 का ही हो जाएगा। इसमें अधिकतम पूछा है तो एक्स में एक बार 50 रखिएगा तो वाई जीरो होगा, 50 चूँकि 200 हो जाएगा, और वाई में जीरो तो एक्स में 50 हो गया, और एक्स में जीरो तो वाई में 50, वाई में 50 हो गया तो 50, तो अधिकतम 200 हो जाएगा, ठीक है। 70 में बी हो जाएगा 71, इसमें ए स्क्वायर बना, दो वाली गुना कर दीजिए, बी आ जाएगा बिल्कुल साइन नंबर 2x, टू साइन है ना, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ना, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। और इसमें देखिए ये थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया 7, यहाँ तो इसका आंसर 5/4 होना चाहिए था, ठीक है। 73 में द्विआधारी संक्रिया है तो ए स्क्वायर में क्रम विनिमय होगा, ठीक है ना, क्रम विनिमय होगा किंतु सहचर्य नहीं, हाँ बिल्कुल आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। समुच का कुल संख्या था 2n² होता है तो 2^2 का स्क्वायर तो आपका 16 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। 75 में ए हो जाएगा 76, 1 - x इसका सलूशन कर लेंगे और इसके समांतर होगा, तो समांतर के लिए ये दिक अनुपात होता है, ऊपर वाला a1 b1 c1 होता है, a1/2, तो 3x 4y 6z ये आपका ए हो जाएगा 77। इसमें समांतर मान निकालना है, इसका भी आप सलूशन कर लेंगे, इसमें डॉट प्रोडक्ट और गुणनफल करना है, और टेन इनवर्स 80 में आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 81 का सलूशन के बाद आपको टेन इनवर्स 5/12 मिलेगा। अब पी दो घटनाएं पी ए भी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होता है तो पी ए इंटू पी बी बराबर 0 होता है, पी ए दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटू पी बी जो होता है वो 0 होता है ना, तो ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया है, ठीक है। इसमें है ना ऑप्शंस वैसा तो मिलता नहीं है, 83 है कि इतना तो पी ए जो इसमें अपरिभाषित आएगा, पी बी आई आपका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी ए, तो अपरिभाषित क्योंकि पी ए का मान 0 से भाग करने पर अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो आपको डी मिल जाए, सी मिल जाएगा, ठीक है ना। पी ए इतना दी यूनियन इतना तो पी बी एक्स तो मान होता है, तो आप जानबे करते पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, उस तरह से बना लेंगे इसको, ठीक है। आगे इसका गुना करने पर आपको 86 में ए प्राप्त हो जाएगा, 87 इसका भी करना है तुलना, तो पहला पहले के बराबर होता है ना, तो वाई बराबर 7 हो जाएगा और उसके बाद एक्स बराबर -1/3। इसमें दो फंक्शन है शायद, है थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक कर दिया, ठीक है। वर्ग आव्यूह के ए इनवर्स का मान तो इसको आप बना लेंगे पता चल जाएगा, 89 नंबर में इसका 100 करना है तो इसका भी सॉल्यूशन से पता चल जाएगा, ठीक है। ए जीरो वाला से बना लेंगे, एकदम आसान है, ये सब क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको हो जाएगा, है ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 cos 180 और cos 180 का मान -1 होता है, 90 का सी हो जाएगा। इसका गुना कर लेना है, इसका भी प्रायिकता से, और 93 में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ए माइनस ए पर है, और ये देखिए विषम फलन है, ये कौन सा फलन, विषम, इसलिए इसका डायरेक्ट 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। 95 10 बार उछाला तो ठीक 7 बार चीत आने की प्रायिकता, तो इसमें आपको ये मार लीजिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल 100% 95 का ये सही होगा, ठीक है। वाई एक्स की दिक् कुजाओं का जोग होता है, तो वाई एक्स के दिक् कुजाओं का जोग हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें कोटि का अंतखंड क्रमशः है, कोटि के अंतखंड पूछे ना, एक्स में 6 होगा, वाई में भी 6 होगा और जेड में भी 6 होगा, तो एक में 6 होगा, एक में -6 होगा, एक में +6, 6 - 6 और +6 आपका सी हो जाएगा 97 में। 98 इतना इतना के न्यूनतम मान बताना है, तो इसमें न्यूनतम बता रहा है ना, तो इसमें न्यूनतम आप मान के धर लीजिए, 3 रखिएगा तो 15 आएगा, ठीक है, और वाई में 3 रखिएगा तो -18 आएगा, तो 18 ही वाला ही सबसे न्यूनतम हो जाएगा, 98 में सी हो जाएगा। और इतना की दूरी बताना है इस बिंदु से, तो 3 * 9 = 2 * 4 = 13 = 14 √14 वाला हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है, 3/√14। और आगे अवकल समीकरण दिया, इसका हल करना है, तो इसका हल आपका लगभग ये आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल पर आए हैं
और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। टाटा बाय बाय। धन्यवाद।